दोस्तों एक बात बताइए, योगी सरकार जो कि आदित्यनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मानी जाती है और दावा भी किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं प्रदेश के कर्मचारियों से, ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं मात्र 2 साल पहले रोड का निर्माण कराया गया था और किस घटिया क्वालिटी के साथ में निर्माण कराया गया है। आप देखेंगे यहाँ से हाईवे वाहन जो निकले हैं, जो कि बजरी मोरंग इत्यादि का जो ट्रक अभी एक 200 मीटर की लाइन बन रही है डामरीकरण के लिए, उसके लिए जो माल जा रहा है उसके लिए 5 किलोमीटर की ऐसी कच्ची सड़क है जो पक्की डामरीकरण करवाई थी घटिया क्वालिटी के कारण। आप देखेंगे गड्ढे हो गए। पीछे दिखाइए कैमरामैन, अगर देखेंगे यहाँ से जैसे ये पिछले 2 वर्षों में इसका ये बुरा हाल हुआ है, आप देखेंगे पटरियाँ बाहर आ गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही पहली बार यहाँ से भारी वाहन यानी मोरंग बजरी वाला जब यहाँ से ट्रक गुजरा है गुट्टी वाला, तो पहले ही दिन ये टायर धस गए और ये रोड फट गया। ऐसी घटिया क्वालिटी की जांच इंजीनियर्स कैसे करते हैं, ये सब इंजीनियर्स की जो है घटिया और चापलूसी और ऐसे कहे भ्रष्ट इंजीनियरों के कारण ऐसी जो है दिन हमारे ग्रामीण समाज को देखने पड़ते हैं। इसके बारे में हमारे साथ में यहाँ के लोग हैं, युवा लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या वास्तव में ये जो निर्माण कराया जा रहा है क्या ये बिना करप्शन के बिना धांधली के ये निर्माण हो रहा है या नहीं, हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ में ही पड़ोस के कुछ युवा लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। जो घटिया क्वालिटी आप देख रहे हैं, घटिया क्वालिटी के द्वारा 2 साल पहले निर्माण कराया गया था, अभी ये सड़क जो है पूरी तरह टूट गई और जगह जगह ऐसी है। तो शुरुआती यहाँ से पहले इससे अच्छी वो पहले वाली जिसमें जो है हैवी वाहन निकला कोई विशेष असर नहीं पड़ा, लेकिन ये 2 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था और ये पूरी तरीके से ऐसे ही खड्डे खड्डे हो गए हैं। ये लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता बनवाया गया था और ये रास्ता जो है भजेटा से समुखा तक बनाया गया है, भजेटा से समुखा तक का ये मार्ग है और यहाँ पे ये मात्र 2 साल के अंदर इस सड़क की ये स्थिति है। तो आप बताइए प्रदेश का और देश का विकास कैसे होगा जब ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर इस भ्रष्टता के साथ में कार्य करेंगे। नमस्कार फौजी जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, एक बात बताइए भाई, आप तो युवा हैं और योगी सरकार को एक ईमानदार सरकार के रूप में उभरता हुआ माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आपके गांव से महज वही 500 मीटर की दूरी पे ये आप देख रहे हैं इतने बड़े खड्डे हैं, आए दिन यहाँ पे हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो आप क्या कहेंगे सिस्टम को, क्या कहेंगे ऐसे इंजीनियर्स को जितनी घटिया क्वालिटी की सड़क को पास कर देते हैं? नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है, तो उसमें कहने वाली बातें क्या है, सभी भ्रष्ट हैं। लेकिन योगी सरकार को तो ईमानदार सरकार बताया जाता करप्शन मुक्त सरकार है। देख लेना रोड कैसी बनी है, बताने की जरूरत ही नहीं है, काहे किसी का दोष दोगे, देख लीजिए कैसी रास्ता है। इसमें गलती किसकी है, गलतियां तो उसकी सरकार की तो है ही है, कहीं ना कहीं तो आम पब्लिक की गलती नहीं है। आम पब्लिक की काहे की गलती, चलना छोड़ दे क्या, रास्ते पे कच्चे रास्ते में चले, अगर कोई गलत काम हो रहा है अच्छा कौन जाएगा ये बताओ, किसके पास इतना टाइम है। ये सरकार के लिए कहती है कि हम मान लिया हम सबको रोजगार दे रहे हैं और ये सड़कें बना रहे हैं, तो सड़कें बन रही है, रोजगार तो कहाँ है, कहाँ पे रोजगार है बताए, ये रोजगार है व्यापार है, रोजगार ना, रोजगार इनके पास है ना, व्यापार कुछ नहीं इनके पास है। नहीं सरकार का तो व्यापार है ना, सरकार का तो व्यापार है, पैसा सीधा ही कर रही है बस, सरकार अपना व्यापार कर रही है, व्यापार का आज बना दिया कल उखड़ गया, उसके बाद कौन देखने आता है, कौन विधायक कौन को कुछ नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा इसमें इंजीनियर की गलती है कि नहीं, जो लोग मानक के अनुसार सड़क का निर्माण करते हैं घटिया क्वालिटी के साथ, इनकी ना तो इनका ना तो पूरी तरह ये सड़क का पूरी तरीके से दबाव किया गया होता तो क्या ये सड़क फट जाती? नहीं नहीं नहीं, ये सब खाली सब पहले तो 10 साल के बाद में एक बार सुनवाई होती है प्रशासन के द्वारा, बजट पास होता है तब जाके सड़क का या किसी विकास कार्य का शुभारंभ होता है, वो फाइनल होता है। बिल्कुल। उसमें भी धांधली होने के बाद में घटिया क्वालिटी की जो है गुणवत्ता के साथ में जब कोई कार्य कराया जाता है तो उसका नतीजा ये सामने आप देख रहे हैं, 2 साल के अंदर ये सड़क फट जाती है। बिल्कुल फट गई। ये एक देहाती सड़क नहीं है, ये एक जलियापुर से समखा तक जाने वाली सड़क नहीं है, ऐसे कई सारी सड़कें हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहाँ पे सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता और ईमानदारी की बात की जाती है, वहां पे ऐसी घटिया क्वालिटी की सड़कें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं आता है। जब कोई ग्रामीण व्यक्ति, मेरा जैसा ग्रामीण व्यक्ति खुलेआम आकर करके भ्रष्टाचार का पोल खोलता है तो आम जनमानस भी इसके ऊपर चुप्पी साध जाता है और इतना भी नहीं कर सकता, इसके ऊपर अन्य लोग आकर के आवाज उठाएं, जिससे कि मैं मानता हूं सरकार का कोई दोष नहीं है, मेरा मानना है आम पब्लिक का दोष है, क्योंकि वो गलती को बराबर सहते रहते हैं, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। हमें सभी लोगों का कर्तव्य एक जागरूक व्यक्ति के नाते
आज ये भारत की साक्षरता दर काफी ऊंचाई पे जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आम जनता का दोष है और ऐसी घटिया क्वालिटी के ऊपर लगाम लगाने के लिए आम जनता को आगे आना होगा। धन्यवाद।